हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकी कुमार बहादुर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी क्लास 12th जेक बोर्ड का जो अकाउंटेंसी का एग्जाम आप लोगों का कल होने वाला है, उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है और अगर आप इन 40 क्वेश्चन पेपर को करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में से कई सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को करना। अगर आप एग्जाम में 90% का टारगेट रख रहे हैं कि अकाउंटेंसी में आपको 90% टारगेट लाना है तो ऑब्जेक्टिव आपको सब सही सही बनाना पड़ेगा और सब सही सही बनाने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझना। और उसके अलावे एक क्वेश्चन को समझाएंगे, समझने के अलावे उस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो भी समझाएंगे। यानी ये जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि इस साल इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि अकाउंटेंसी में आप लोगों के साथ साथ मैंने भी बहुत मेहनत किया है तो मैं चाहता हूं कि अकाउंटेंसी में आप लोगों का 90% प्लस नंबर जो है वो आए, और इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना चाहिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते तो ये चीज़ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट करता है। कुछ स्टूडेंट जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं वही सिर्फ कमेंट करते हैं, बाकी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, ठीक है। चलो आओ एक एक करके एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में समझाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझोगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो पार्टनरशिप का फीचर्स क्या नहीं है, एग्रीमेंट ये फीचर्स होता है, शेयरिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को बांटना, पार्टनर्स लोग आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं ये भी उसका फीचर्स है। इसके बाद ऑप्शन 3 पे बोल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी, नहीं नहीं लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है। इसके बाद 2 or more than 2%, तो ये 3 चीज जो है 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर ये सब उसका फीचर्स है। कौन फीचर्स नहीं है इसका, लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर्स नहीं है क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। हिंदी में देखो कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो ये जो सीमित दायित्व होता है ये साझेदारी की विशेषता नहीं है क्योंकि एक साझेदारी का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। क्या होता है जी, असीमित होता है, और बाकी सब समझौते का होना, लाभ का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, ये इसका विशेषता है, ठीक। अब यहां पे बात आया है पार्टनरशिप का, तो जो आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उस सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के लिए इसको तैयारी करके रखना कि व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज इट फीचर्स, ठीक है। यानी कि साझेदारी क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। ये बेसिकली आप लोगों को थ्योरी टाइप के क्वेश्चन में जो है ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, आया समझ में। वैसे ही बोल रहे कि जो क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसका सब्जेक्टिव या एमसीक्यूज बन सकता है तो मैं आप लोगों को वो जरूर 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 बताऊंगा, ठीक है। चलो एक नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो मान लो कि एक पार्टनरशिप फार्म में ये जो पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, अगर ये पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस समय में हम बताए थे आप लोगों को दो ही चीज होता है। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच इक्वल बांटा जाता है। इसके बाद जो पार्टनर एडिशनल इंटरेस्ट या लोन लेकर के आएगा उस लोन पे उसको हम लोग जो है 6% पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, आया समझ में। 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर विथ द फार्म इज दैट ऑफ, एक पार्टनर जो होता है वो फार्म का ओनर भी होता है और साथ ही साथ फार्म का एजेंट भी होता है, यानी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एन एजेंट और ओनर बोथ, ठीक है, एन ओनर एन एजेंट बोथ। हिंदी में भी वही बोला, साझेदारी का फार्म से संबंध है तो एक साझेदार जो होता है वो फार्म का स्वामी भी होता है, एजेंट भी होता है, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। 4 नंबर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज राइटिंग इज, बोला गया है लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना। बोलता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का लिखित में होना जरूरी नहीं है, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, क्योंकि आप सबको पता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो आपका 2 टाइप का हो सकता है, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल होगा या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होगा वो रिटेन में होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन में हो, नहीं, ओरल भी हो
सकता है, रिटर्न भी, ये आपके डिपेंड करता है, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। इच्छा बोले तो वॉलेंट्री, ठीक है। तो प्रिपरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज वॉलेंट्री, लिखित साझेदारी अनुबंध का होना ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उसको चाहो तो ओरल में बनाओ या चाहो तो रिटर्न में बनाओ, ठीक। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बोला जा सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, तो याद रखना आप लोग कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना भी जो है वो वॉलेंट्री होता है, ठीक है। बट अगर आपको पार्टनरशिप डीड बोलता तो पार्टनरशिप डीड का रिटेन में होना कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप डीड का रिटेन में होना क्या होता है, कंपलसरी होता, ठीक है। आ गया समझ में, चलो फोर हो गया, फोर के बाद आगे बढ़ते हैं, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पे। फाइव पे बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। याद है एक चैप्टर आप लोग अकाउंटेंसी में हम आप लोगों को पढ़ाए थे फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में हम एक अकाउंट सिखाए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इससे पता चल सके कि फार्म को कितना प्रॉफिट हुआ और पार्टनर्स के बीच कितना कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा, यानी पार्टनर्स बीच विभाजन योग्य लाभ का पता चलता है, यानी पार्टनर्स के बीच जो होता है डिविजिबल प्रॉफिट का पता चलता है कि पार्टनर्स आपस में कितने कितने प्रॉफिट को बांटेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या पता लगाने के लिए बनाया जाता है, फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, यानी किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा यह पता लगाने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है, तो विभाजन लाभ का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। चलो फाइव हो गया, फाइव के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ पार्टनर ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप सेल बी, कंपनी विविध या कंपनी अधिनियम 10/2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या। हम कल जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज का तैयारी करवा रहे थे, इससे पहले का जो वीडियो डाले थे उसमें भी हम बताए थे कि एक पार्टनरशिप फार्म में, एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होता है वो 50 मेंबर होता है, और एक बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होता है वो 20 होता है। तो यहां पे बोल रहा है पार्टनरशिप फार्म में मैक्सिमम, तो देखो बच्चा मैक्सिमम कितना होता है जी, 50 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 50, यानी कि 50 साझेदारों का अधिकतम संख्या होता है। देयर आर 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म, ठीक है, आया समझ में। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन पे, विच अकाउंट्स इज ओपेंड व्हेन द कैपिटल इज कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, साझेदारों की पूंजी अस्थाई होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, कल के भी वीडियो में बताए थे। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट खुलता है आपका, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक अकाउंट खुलता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, करेंट अकाउंट इज है, तो करेंट अकाउंट क्या होता है, तो करेंट अकाउंट बेसिकली एक पर्सनल अकाउंट यानी चालू खाता क्या है, तो चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है। अच्छा, चालू खाता क्यों करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग करेंट अकाउंट किसी पार्टनर्स का ही ना खोलते हैं, जैसे मान लो ए बी सी, तो ए बी सी क्या है, पार्टनर्स है, ए बी सी क्या है, पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स है यानी ये लोग इंसान ही ना है भाई, पर्सन ही ना है, तो इसी पर्सन का हम लोग अकाउंट खोलेंगे। जब पर्सन का अकाउंट खोलेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट होगा ना, तो इसीलिए करेंट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी देखो यही चीज सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि चालू खाता क्या है, तो चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो याद रखना कि जो पार्टनर जब कैपिटल लगाएगा उसको तब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई पार्टनर 1 जनवरी से कैपिटल लगाया है तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट मिलेगा, कोई पार्टनर अगर 1 अप्रैल को लगाया है तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कोई पार्टनर अगर मान लो 2 अक्टूबर को लगाया है तो 2 अक्टूबर से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी जिस दिन लगाया यानी बिगनिंग, जिस दिन कैपिटल को लगाया उसी दिन से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कैपिटल एट द बिगनिंग, प्रारंभ की पूंजी पर, यानी जब कैपिटल लगाएगा तब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलेगा, ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 में, सुपर प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जेक के मॉडल पेपर में भी है, कोडरमा का मॉडल पेपर में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है, ठीक है। ये क्या बोला है कि सुपर प्रॉफिट स्टैंड फॉर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको पता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, अधिलाभ इज इक्वल टू औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये हमको पता है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, ठीक है, और इसका गुडविल के लिए इसका न्यूमेरिकल्स जरूर करना, न्यूमेरिकल यहां से देगा गुडविल का, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से न्यूमेरिकल देगा और एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देगा उसका। बोला गया है प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स 8,000, 12,000, 10,000 एंड 10,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड,
पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 रुपया है। 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करें, यानी कि सिंपली आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आओ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। तो हम सबको पता है एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट को जोड़ो, 8,000 प्लस 12,000 20,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000, 30,000 प्लस 10,000 40,000। तो टोटल प्रॉफिट 40,000 है, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स। तो 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 आया एवरेज प्रॉफिट। अब जब हम लोग इसका गुडविल निकालेंगे तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट देखो 10,000 आया इंटू नंबर्स ऑफ इयर्स, ये देखो यहाँ पे 2 साल का बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 = 20। 20,000 ऑप्शन में देखो, 20,000 कहाँ है ऑप्शन में, 20,000 3 नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस टाइप का गुडविल का न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, 11 हो गया। आओ 11 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला गया है व्हेन इज वेटेड एवरेज मेथड यूज टू कैलकुलेटिंग गुडविल, कब ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब निकाला जाता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तब सुटेबल होता है जब या तो फार्म का प्रॉफिट हो रहा है या फार्म को लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट उसका इंक्रीज होता जा रहा है या प्रॉफिट उसका डिक्रीज होता जा रहा है, तब किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस यानी ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, गेनिंग रेशियो इज, बार बार हम ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अच्छा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये किसका फॉर्मूला है, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये किसका फॉर्मूला है, ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखना। 13 हो गया। 14 नंबर पे आते हैं, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। हम कल भी समझाए थे, बार बार समझाते हैं कि अगर कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हो जाए, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या एमलगेमेशन, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो इससे पार्टनरशिप फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी साझेदारी फार्म का पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, साझेदारी फार्म का पुनर्गठन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग एक्स वाई एंड जेड 1:2:3 है, यानी एक्स वाई और जेड पार्टनर है, रेशियो है इनका 1:2:3 है, और अभी वो लोग डिसाइड कर रहा है कि न्यू रेशियो हो जाएगा इन लोगों का 3:2:1, तो बताओ कि कौन, विच पार्टनर्स विल अनइफेक्टेड, किसका शेयर जो है अनइफेक्टेड रहेगा। तो देखो ना, सिंपल है, ये वाई है, वाई का पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, तो वाई का जो है वो अनचेंज रहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वाई का शेयर जो है वो अनचेंज रहेगा, देख के ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर पे बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद दी जाती है। तो न्यू पार्टनर अपने साथ जो है प्रीमियम फॉर गुडविल केस में क्यों लेके आता है, इसलिए लेके आता है क्योंकि उसको फार्म से प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट में शेयर चाहिए। ठीक है, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, क्योंकि न्यू पार्टनर आते ही प्रॉफिट में शेयर मांगता है और उस शेयर्स के लिए जो है ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है, इसी के लिए है जो न्यू पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है केस में, और इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:4, सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5, न्यू रेशियो बताइए। यानी ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:4, न्यू पार्टनर सी आया 1/5 के लिए, तो आपको कौन सा रेशियो निकालने बोला है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोला है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज में बताए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर VBI है। अगर नहीं समझ में आएगा किसी को तो कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर जो है कमेंट करके पिन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग हमको खुद बताना। ठीक है, हो गया 17 नंबर। 17 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेक्रीफाइस रेशियो इज एसर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ, त्याग अनुपात निकाला जाता है। तो याद रखना, सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत एडमिशन के समय पड़ता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। त्याग अनुपात साझेदारी के प्रवेश के समय में निकाला जाता है, रिटायरमेंट और डेथ के समय में बेसिकली जो है वो गेनिंग रेशियो निकाला जाता है।
कौन सा रेशियो निकाला जाता है जी, गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलो तो एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है। 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स विल बी ट्रांसफर टू, यानी सिंपल बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है और उस एडमिशन के समय में अगर बैलेंस शीट में किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो किसको मिलेगा। तो हम आप लोगों को बताए थे कि एडमिशन के समय में कुछ भी चीज हो या तो रिटायरमेंट के समय में कुछ भी चीज हो, वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किसमें मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे समझ में जी, देखो हिंदी में भी यही बोल रहा है, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी पुराना ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे, गुडविल ब्राउट इन केस बाय न्यू पार्टनर इज कोल्ड, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति क्या कहलाती है। तो न्यू पार्टनर अपने साथ जो गुडविल केस में लेकर के आता है उसको प्रीमियम बोलते हैं, यानी उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे बोल रहा, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट शो इन विच अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ तो एडमिशन के समय में अगर किसी एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो उसको कहाँ दिखाएंगे। तो बच्चा हम आप लोगों को समझाए हैं कि अगर कभी भी किसी भी एसेट या किसी भी लाइबिलिटीज का वैल्यूज अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए या तो फिर डिक्रीज हो जाए, और सिर्फ एडमिशन के समय में ही नहीं, चेंज इन प्रॉफिट यानी पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म के समय में कोई भी एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो इसको दिखाने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, या इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा अकाउंट होता है? तो ये एक तरीके का जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये हम आप लोगों को बताए थे, तो किसमें दिखाएंगे उसको? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलो हिंदी में भी सेम यही चीज बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, Z is admitted in a firm for 1/4 share in profit of which he brings ₹30,000 of goodwill. बोला it will be taken away by the old partner in X and Y. बोला गया है न्यू पार्टनर Z आया है अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 लाया है, तो इस 30,000 गुडविल को X और Y किस रेशियो में बांटेगा? तो अभी समझाए हैं X और Y जो है इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि त्याग अनुपात में बांटेगा, ठीक है। हिंदी में भी वही बोल रहा है, एक फार्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश प्राप्त किया जाता, 4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाता है, या पुराने साझेदार एक्स और वाई में लिया जाएगा, त्याग अनुपात में लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, बोला गया ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। हम अभी समझाए थे कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज है, पुराना जो भी चीज है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो में जो है उसको बांटा जाएगा, ठीक। 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। देखो 24 नंबर पे, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड टू। बोला गया है अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट पार्टनर के समय में उसके किस चीज को क्रेडिट करते हैं, तो उसके या उसके गुडविल को, यानी रिटायर पार्टनर का जो गुडविल होता है उस गुडविल को जो है वो क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/4 2/5 एंड 7/20 जेड्स रिटायर फ्रॉम द फार्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो सिंपल बोल रहा है कि तीन पार्टनर है, कौन कौन? एक्स वाई और जेड। तो पहले इसका रेशियो कंपेयर कर लो, 1/4 है इसका, 2/5 है और इसका 7/20 है। तो पहले रेशियो इसका कंपेयर कर लो, तो सबका एलसीएम 20 आएगा, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, यानी 5:8:7। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि यहां से कौन रिटायर कर गया? बोल रहा है जेड, तो यानी ये जेड है, जेड रिटायर कर गया, इसको हटा दो, तो जेड के बाद एक्स और वाई का रेशियो क्या बचा? 5:8। यही इन दोनों के लिए न्यू रेशियो भी होगा और यही इन दोनों के लिए गेनिंग रेशियो भी होगा, 5:8, ठीक है। इसका आंसर देख के बता सकते हो, ट्रिक हम आप लोगों को समझाएं पहले भी,
25 हो गया, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज। तो याद रखना, एक जो नॉमिनल कैपिटल होता है उसको जो है फार्म का अथोराइज्ड कैपिटल भी बोला जाता है, और रजिस्टर्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल एक ही होता है, ठीक है। तो नॉमिनल कैपिटल को अथोराइज्ड कैपिटल भी बोला जाता है, रजिस्टर्ड भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा बोथ। नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है अधिकृत पूंजी के नाम से भी, रजिस्टर्ड पूंजी के नाम से भी, तो इसका आंसर होगा दोनों, ठीक है। 27 नंबर, डिविडेंड्स आर usually paid on, हमको पता है कि कंपनी डिविडेंड किस पे पेड करता है, शेयर्स पे। तो कंपनी जो है वो डिविडेंड किस पे देगा, तो पेड अप कैपिटल पे, यानी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को जितना शेयर का पैसा पेड करेगा उसी पेड अप कैपिटल पे कंपनी जो है वो डिविडेंड पेड करेगा। सपोज कर लो कि कंपनी अगर 4000 शेयर इशू किया था, जिसमें से पब्लिक अगर सिर्फ उसका, मान लो कि पब्लिक सिर्फ उसका 2500 शेयर खरीदा, और इस 2500 शेयर में जितना शेयर का पैसा पब्लिक पेड करेगा उसी पे ही कंपनी जो है उसको डिविडेंड पेड करेगा, ठीक है। समझ में? तो डिविडेंड बेसिकली पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, ठीक है। यानी लाभांश सामान्यता किस पर दिया जाता है, तो लाभांश सामान्यता प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोला गया बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन समझाए थे, कंपनी शेयर इशू किया, इशू करने के बाद फॉरफिटेड किया, फॉरफिटेड करने के बाद री इशू कर दिया, तो री इशू करने के बाद लास्ट में जो पैसा बचा है उसको वो कहां दिखाता है, तो उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है, ठीक है। इसी के लिए ही ना जर्नल एंट्री बनाते हैं आप, शेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कंपनी रूल्स 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज शुड नॉट बी एक्सीड। तो याद रखना कि अगर टेबल एफ के अनुसार ये बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी जो है, अगर कोई भी पब्लिक जो है, अगर किसी शेयर्स का पैसा कॉल्स इन एरियर रखता है, तो उस पर कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, तो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज होता है 10%। अच्छा, और कॉल्स इन एडवांस पे, कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट देती है कंपनी, तो 12%, याद रखना, ठीक है। तो यहां जिक्र किया है कॉल्स इन एरियर का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोल्ड अप कैपिटल इज, यानी प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। तो आपका ये कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस जो होता है वो अनकोल्ड अप कैपिटल यानी अयाचित पूंजी जो है वो कहलाता है। 31 नंबर पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अभी समझाए थे अथोराइज्ड कैपिटल जो है वो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशूड प्राइस ऑफ इच शेयर, प्रति अंश आवेदन की राशि के निर्गमन के मूल्य .. से कम नहीं होती किससे, 25%। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, VBI क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ए कंपनी इशूड शेयर्स एट प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम बाय रिसीव्ड बाय कंपनी, यानी अगर कभी कोई भी कंपनी शेयर को प्रीमियम में इशू करता है, तो प्रीमियम का पैसा जो है वो एप्लीकेशन के साथ भी मांग सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी मांग सकती है, कॉल्स के साथ भी मांग सकती है, तीनों के साथ मांगेगा, तो आंसर होगा इसका 4 नंबर। देखो क्या बोल रहा है, जब तो कंपनी पर अंशों के निर्गमन करती है तो प्रीमियम हो सकती है, तो ये सभी के द्वारा जो है वो मांगा जा सकता है, ठीक है। चलो और 5 क्वेश्चन है लास्ट, 35 पे बोल रहा है ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होता है ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, कंपनी एक क्या है, तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है। आप कंपनी का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि व्हाट इज कंपनी, तो कंपनी के बारे में आपको पता होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, अंश किए गए हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो हमको पता है शेयर फॉरफिटेड करके जब री इशू करते हैं, तो री इशू अगर डिस्काउंट में किए हैं तो किसको डेबिट करते हैं, शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करते हैं, क्योंकि इसी का जर्नल एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में शेयर फॉरफिटेड को करते हैं, ठीक है, यानी अंश हरण खाते को। 4 क्वेश्चन है और
37 नंबर पे बोल रहा है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू, जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो किसको डेबिट करते हैं, तो कोल्ड अप शेयर का वैल्यू से जो है उसको डेबिट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 38 नंबर पे बोल रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो अंश आवंटन खाता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, अंश आवंटन खाता जो है एक व्यक्तिगत खाता होता है, इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर पे मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी, तो याद रखना अब मेंबर्स बता रहे हैं कंपनी का, तो जब कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी होगा तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और मैक्सिमम 200, और अगर कभी भी कोई भी पब्लिक कंपनी होगा तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स वो जितना शेयर्स इशू करेगा उसके बराबर होगा। तो पब्लिक कंपनी में पूछा तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम पूछा तो मिनिमम होगा 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी क्या बोला हिंदी में देख लो, हिंदी में बोल रहा है एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, भाई 7 होती है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बोला गया बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ट्रांसफर टू, जब अंश खाते का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किया जाता है, तो अभी बताए थे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है संचित पूंजी खाता में, ठीक है। तो अगर आप हो गया 40 का 40 क्वेश्चन, अगर आप ये 40 का 40 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो अनडाउटेडली कि एग्जाम में जो है आप लोगों का यहां से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा ये हम लोगों का तीसरा टेस्ट सीरीज था, इसके बाद और 3 वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि एग्जाम में हम लोगों को अकाउंटेंसी में मोर देन 90% प्लस जो है वो मिल सके।